कि मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे सारे के सारे ना नाम के दोस्त हैं, तुम ही हो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का ना अलग ही मज़ा होता है, अलग ही मज़ा है, ऐसे बोलना आपको। आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड दे आर सो कोल्ड फ्रेंड्स, बट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड स्पेंडिंग टाइम विद यू हैज़ इट्स ओन फील। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, क्योंकि इस टॉपिक को हमें आज ही देखना है और आज ही सीख लेना है। तो प्लीज़ वीडियो को ही लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा, आपको जाके कॉमेंट बॉक्स में वो बना देने हैं, टॉपिक आपको आज ही याद हो जाएगा। तो आज का जो स्ट्रक्चर है वो हैज़ इट्स ओन फील। सेंटेंसेस हम हिंदी में कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हमें बोलना होता है कि यार स्कूल जाने का अलग ही मज़ा होता है, या फिर क्लास बंक करने का अलग ही मज़ा होता है, या फिर ये बोले कि चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा है। तो ये सारे सेंटेंसेस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे बोलना है, उस स्ट्रक्चर का जो इस्तेमाल हम करेंगे वो हैज़ इट्स ओन फील। तो थोड़ी सी जानकारी, मैं थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो। इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे हमेशा वर्ब से, और वर्ब में आपको ing ऐड कर देना है हर बार, जैसे आप वी फोर भी कहते हैं, जब भी कोई वर्ब लगाओगे तो आगे आपको ing ऐड करना है, या तो वर्ब आएगी या फिर इस वर्ब के अलावा नाउन आएगा, या तो वर्ब आएगी वर्ब के अलावा नाउन आएगा। वैसे ही जो वर्ब के साथ आप ing लगा रहे हो ना, ये भी एक नाउन का ही फॉर्म है। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग करने वाले हम नाउन से, नाउन के बाद भाई यही आएगा आपके पास हैज़ इट्स ओन फील, ठीक है। ये हैज़ हैड भी हो सकता है, ये हैड हैव भी हो सकता है, और ये हैव विल हैव भी हो सकता है। भाई अगर आप लोगों को टेंसेस आते हैं तो ये बात आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हैज़ कब लगाना हैव कब लगाना हैड कब लगाना है, और विल हैव कब लगाना है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो मेन स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया कि आगे आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के रूप में वर्ब बी फोर या फिर नाउन, उसके बाद हैज़ इट्स ऑन फील, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए सेंटेंसेस फ्रेम कर लेते हैं, और जरा ऑब्जर्व करना मैं सेंटेंसेस कैसे बना रहा हूँ। तो पहला सेंटेंस मेरे पास ये है कि स्कूल टाइम पे ना यार टॉपर होने का अलग ही मजा होता है। तब बोलेंगे, स्टार्टिंग करेंगे होना या बनना, बींग से स्टार्टिंग करेंगे, बी ई बी आई एन जी लगाएंगे, बींग बन जाएगा। तो बींग अ टॉपर हैज इट्स ओन फील, पहला सेंटेंस ये हो गया आप लोगों के पास। दूसरा, स्कूल टाइम पर यार हम लोग ना जो अपने पीरियड बंक किया करते थे तो उसका भी एक अलग ही मज़ा था। तो आप ऐसे बताएंगे कि बंकिंग द क्लास हैज़ इट्स ओन फील, दो सेंटेंस हो चुके हैं आपके पास, ऑब्जर्व करते रहिएगा। और तीसरा सेंटेंस है कि मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे सारे के सारे ना नाम के दोस्त हैं, तुम ही हो जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का ना अलग ही मज़ा होता है, अलग ही मज़ा है, ऐसे बोलना आपको। आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड दे आर सो कोल्ड फ्रेंड्स, बट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड स्पेंडिंग टाइम विद यू हैज़ इट्स ओन फील, ऐसे बोला आपने, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अभी मैंने जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं ना, सब में हैज़ आया है। हैव कब आएगा भाई, जब आप प्लूरल की बात करोगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यार सर्दियों का मौसम है और आपने आग वाग जला रखी हो, हाथ वाथ सेक रहे हो, और साथ में मोमोज हो जाए, तो मोमोज खाने का अलग ही मजा है ऐसे वक्त पर। तो क्योंकि मोमोज, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल, मोर देन वन, तो आप बोलेंगे मोमोज हैव, नॉट हैज, मोमोज हैव इट्स ओन फील। तो आप बोलेंगे मोमोज हैव इट्स ओन फील, ठीक है। इसका अगला जो एग्जांपल है वो है कि यार अभी आप लोग ना, शायद आप लोग अभी स्कूल लेवल पर होंगे, और स्कूल के बाद शायद तुम में से कुछ लोग कॉलेज जाएंगे। तो ऐसा कुछ लोग सोचते होंगे कि यार कॉलेज जाने का अपना अलग ही मजा होगा ना, जिस टाइम पर हम कॉलेज जाएंगे। तो आप बोलेंगे गोइंग टू कॉलेज, वर्ब से स्टार्ट कर रहा था इसलिए गोइंग किया मैंने, गो आई एन जी, गोइंग टू द कॉलेज विल हैव इट्स ओन फील। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, यार बचपन जो है ना, देखो सबका ही अच्छा रहता है, हमें कोई प्रेशर नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बचपन का अलग ही मज़ा था, आज हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि बचपन का ना अलग ही मजा था। तो आप बोलेंगे चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड वर्ब नहीं है, नाउन है चाइल्डहुड। अब क्योंकि पास्ट की बात कर रहा हूं तो आ जाएगा हैड, चाइल्डहुड हैड इट्स ऑन फील, क्या आ जाएगा, चाइल्डहुड हैड इट्स ऑन फील, ठीक है।
तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को समझा दिए, हैज का यूज करके बता दिया, हैव का यूज करके बता दिया, विल हैव यूज करके बता दिया, हैड यूज करके बता दिया। तो आप लोगों को ये टॉपिक याद समझ आ गया होगा। बस एक काम और कर लो, आप लोगों को मैं दो सेंटेंसेस दे रहा हूँ, कॉमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को वो दो सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर देने हैं। पहला सेंटेंस है कि पबजी खेलने का अलग ही मजा है, और दूसरा सेंटेंस है कि गर्मी में नहाने का अलग ही मजा होता है। ये दो सेंटेंसेस आप जाके कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, आपसे पहले भी कुछ लोगों ने उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर दिया होगा, तो पहले उसको चेक मत करना यार, पहले आप खुद जाके सेंटेंसेस बना लेना, उसके बाद आप चेक कर सकते हो किसी ने क्या बनाया है। आपको ये काम करना है, मेरी तरफ से ये हो सकता है कि जो आपने मिस्टेक्स वहाँ पर की होगी मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा, जो मिस्टेक्स होगी वो कुछ समझाने वाली बात होगी मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा। ठीक है, तो जाके फटाफट से कमेंट कर दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।